ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और मनोज जी खास देखे, आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं है, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, जीरो मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं वो 6235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, जीरो जख्मी है। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता है। सीज फायर वायोलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थी और 2023 में 6 हुई। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 18 थे 2010 में, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर पड़े। ये संवेदनशीलता का नमूना है नागरिकों के प्रति। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया, जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए, 2014 के पहले एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। ये जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या है। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25,000 की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता सर, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग, डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर खड़ी रही थी, पड़ी रही थी,
नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं है। माननीय बार काउंसिल में भी जो समर्थक थे उनको भी संदेश कर दिया गया है और रोजगार पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमने ढेर सारी चीज़ें करी हैं। माननीय आदत पड़ गई थी हमले हो तो बुला देना, इधर उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना जिससे दूसरे दिन के अखबार के टाइटल बदल जाए। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं माननीय, हमने हमारे समय में भी हमले हुए शुरू शुरू में क्योंकि पुरानी आदत पड़ी थी। उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर जवाब देने का है। हमें संवेदनशीलता कश्मीर के युवाओं के लिए, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं, माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संबोधन नहीं। हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका। मन मैं आज भी कहता हूं नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं, अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो हथियार डाल ले, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं, संवेदना से हमारा हृदय भरपूर। माननीय हमने जो किया है वो युवाओं के लिए किया है। माननीय ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, हमने धारा 370 और 35 ए को हटा दिया। माननीय धारा 370 और 35 है कश्मीर के लोगों को तो अन्याय करती ही थी मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था मनोज जाजीब, कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे स्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त सवाल उठाया था और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और इसलिए इन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी शंकास्पद मृत्यु की गई हो गई और वो शहीद हो गए। माननीय आज मुझे आनंद है कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिन जिन ने बलिदान दिया है वो सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से दो विधान, दो निशान और दो प्रधान समाप्त कर संतुष्टि का सांस लेती। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला माननीय ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। माननीय आज एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है। दो राजधानी रख, दो दरबार रख, सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। माननीय अब एक केंद्रीय कानून है, जो केंद्रीय कानून है सभी राज्यों में जाता है, ऐसे कश्मीर में भी जाता है। माननीय कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इसको पहली बार मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 35 ए के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। माननीय शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार एसटी समुदाय को विधानसभा में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार धारा 370 जाने के बाद वहां हुआ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा का कानून पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370। फॉरेस्ट राइट एक्ट पहली बार 370 समाप्त होने के बाद। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद।